हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 1.3 है तथा दो शीर्ष माइनस के 7.6 और 8.5 है, तो तीसरा शीर्ष जो है क्या होगा। देखिए आप समझिएगा, यहाँ कोई त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, ए है और बी है और सी है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर बोल दिया है आपसे कि दो शीर्ष मतलब यहाँ पर दे दिया ये माइनस के 7.6 और यहाँ दूसरे का शीर्ष जो है 8.5 और तीसरका शीर्ष नहीं पता है, तो तीसरका शीर्ष हम लोग क्या करते हैं कि ये ले लेते हैं, क्योंकि आप जानबे करते हैं कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देखिएगा, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, तो हम लोग करते हैं हल। त्रिभुज दिया है, ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं त्रिभुज वाला, x1 + x2 + x3 / 3, और यहीं पर देखें y1 + y2 + y3 / 3 होता है। जबकि सवाल में देखिएगा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक कितना है, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 1.3 दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर x1 है, y1 है, ठीक, x2 है और y2 है, और यहाँ तो निकालना ही है इसका मान, ठीक है ना। तो अब देखिएगा भरते हैं, x1 मेरा कितना है माइनस के 7 प्लस x2 कितना है तो 8 है और प्लस y3 ही रहने देते हैं क्योंकि है नहीं मेरे पास, और बट्टा में 3 कॉमा। यहाँ देखिएगा y1 कितना है, तो y1 6 है तो 6 लिख दिए, और प्लस y2, देखिए यहाँ फार्मूला में y2 है तो y2 यहाँ पर 5 है, 5 लिख दिए, और y3 निकालना ही है, ठीक है, तो y3 ले लिए बटा में 3। अब देखिएगा यहाँ पर 1.3, जबकि यहाँ पर देखिए ये घट गया, तो 1 + x3 / 3, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा जोड़ देंगे तो 11 + y3 और बटा में 3। अब देखिए ये वाला इसके हिस्से का है और ये वाला इसके हिस्से का है, ठीक। तो अब देखिए, अब तो समझ ही गए, इसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 1 + x3 / 3, अभी क्रॉस गुना हुआ तो क्या हुआ, 3 = 1 + x3, ये इधर आया, ठीक है, तो यहाँ से घट गया तो क्या है, x3 का मान हो गया 2। वहीं पर देखिएगा अब यहाँ पर 3 = 11 + y3 / 3, इधर गुना किए तो 9 + 11 + y3, ये इधर आ गया 9 11 इधर आ गया, तो y3 और इधर से घटा दिए तो कितना आया -2 और y3। अब यहाँ आप देखिएगा x3 का मान हो गया 2, y3 का मान हो गया -2, तो हम कहेंगे कि अतः तीसरा शीर्ष कितना है, तो अभी हम लोग के सामने आया था
आया था तीसरा शीर्ष बराबर 2 -2, ये आंसर हो गया। देखिए दो नंबर सवाल देखिएगा, यदि 1 cos β = 2/5 हो तो सिद्ध करें 25 sin β, कोष्ट में sin β - cos β = 4 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे कीजिएगा, आप समझिएगा, यहाँ सोल्यूशन हम लोग कर लें, 1 cos β = 25 का है, 2/5 है। आप देखिएगा इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस के हो जाएगा। तो देखिए 1 - ये इधर आ गया तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर cos β हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ अब क्या होता है कि इसके 1/5 करके लघुत्तम लेते हैं 5 और यहाँ भाग करेंगे तो 5, तो 5 - 2 और यहाँ cos β, यहाँ देखिएगा घटाने पर 3/5 cos β, इतना तो आप समझ ही गए। अब देखिए आप लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है, सूत्र है, सूत्र से क्या है, साइन, समझिएगा sin² यहाँ बीटा है इसलिए हम बीटा लेंगे, sin² β = 1 - 1 - cos² β। ठीक, ये फार्मूला है आपका, ठीक ना, ये फार्मूला है। तो आप यहाँ पर sin β और यहाँ पर इधर वाला स्क्वायर इधर रूट बन गया 1, और जबकि इसका मान पता है, यहाँ पर देखिएगा cos² β के बराबर में दिया है 3/5, यानी 3/5 के होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा लघुत्तम यहाँ किया जाएगा तो 1/9 / 25, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 25 लघुत्तम हुआ और यहाँ पर आ गया 25 और माइनस के 9 और रूट के अंदर और यहाँ से आपका निकला 16 और 25 और यहाँ पर क्या हुआ, निकाल देंगे यहाँ पर क्या होगा, 4/5 हो जाएगा। आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है, हमने ये फार्मूला लगाया और यहाँ से ये फार्मूला पे भर के हम लोग sin β का मान ज्ञात कर लिए। तो अब देखिए यहाँ sin β का मान इतना है, यहाँ अब हम लिख देते हैं आपको sin β बराबर आपका है 4/5, ठीक है 4/5। अब देखिए हमारे पास अब हमें क्या बताना है, 225 है, यानी 25 sin β और कोष्ट में sin β - cos β = 4 हमें लाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 25 और जबकि sin β का मान हमें पता है, यहाँ पर sin β का मान क्या है, 4/5 और यहाँ पे भी मान है 4/5 माइनस 4/5 हो गया, इसका मान है देखिएगा cos β का मान, देखिए यहाँ cos β है और cos β का मान यहाँ पर देखिएगा cos β का मान 3/5 है, 3/5 है। तो अब देखिए क्या हुआ, इसे इसको काट दिया जाए, कितना बार में, 5 बार में, ठीक 5 बार में, तो 5 × 4 = 20 हुआ। ठीक, अब देखिए इसके अंदर लघुत्तम यहाँ 4 हुआ और 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया है ना, और यहाँ पर 20 और यहाँ घटाएंगे तो 1/5, इससे इसको काट देंगे तो 4, यानी हमारा 4 आ गया। अच्छा, इससे अब हम कह देंगे कि क्या हुआ, सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS
सिद्ध हुआ, प्रूफ हो गया, ठीक ना, समझ गए आप। देखिएगा पहले हम क्या किए, सवाल उतारे, फिर इससे हम क्या किए कि इसको चेंज किए, फिर यहाँ से हमारा कॉस बीटा का मान आ गया, फिर हम सूत्र लगा दिए साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इस पे मान भर के हम निकाल दिए साइन बीटा का मान, यहाँ आ गया। अब हम क्या किए हैं कि 25 के 25 ये साइन बीटा हो गया, साइन बीटा माइनस कॉस बीटा कॉस के अंडर भरे और फिर उसका मान भरे और इसको सॉल्व करने के बाद देखिए तीन नंबर सवाल है, यदि पाई का मान 180 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग करते हैं इसका सॉल्व, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। तो अब हम क्या करें, पाई के जगह पर भरते हैं 180, साइन स्क्वायर 180 डिग्री बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर 180 डिग्री बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बाई 2। अब इसको काटते हैं तो कितना आया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस इसको काटते हैं टेन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए साइन 60 के मान क्या होता है, तो रूट 3 अब बाई 2 इसके होल स्क्वायर प्लस टेन, टेन 30 के मान क्या होता है, तो 1 बाई रूट 3, तो इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर वो लगाएंगे ही। उसके बाद कॉस, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपको पता है साइन 90 डिग्री का मान होता है क्या, एक होता है, लेकिन कॉस 90 का 0 हो जाता है। जीरो हो जाता है। अब इसका हो जाएगा 3 बाई 4, इसका हो जाएगा 1 बाई 3, ठीक। और ये जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, काम खत्म। अब इसका लघुत्तम 12 हो गया, ठीक, और यहाँ 9 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। अब जोड़ देंगे तो 13/12 इसका आंसर हो जाएगा। चार नंबर सवाल है, देखिएगा सिद्ध करें sec a प्लस tan a कोष्ट के अंदर इंटू 1 माइनस साइन a, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है cos a। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ हम LHS ले लेते हैं, LHS पहले सॉल्यूशन लिख ले, सॉल्यूशन जो सॉल्व होता है, सॉल्व LHS, LHS से, ठीक है ना, क्या होगा sec a प्लस tan a और यहाँ 1 माइनस साइन a। अब देखिएगा यहाँ पर इसको हम, एक फॉर्मूला होता है sec a बराबर 1 बाई cos होता है, cos a, ठीक, और इसके बराबर होता है साइन, साइन ए अब बटा कॉस ए। देखिए आप ना ये फॉर्मूला है, जैसे टैन थीटा बराबर बोलेंगे तो साइन बटा कॉस थीटा, ठीक ना, 1 माइनस साइन ए। अब हम इसका लघुत्तम ले तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। अब देखिए एगो में प्लस के एगो में माइनस के, तो ये और ये दोनों मिला के एक फार्मूला बना 1 माइनस
साइन ए स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर होता है कॉस ए स्क्वायर ए और यहाँ पर कॉस ए है, तो यहाँ आप कॉस से स्क्वायर काट दीजिएगा तो कॉस ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पाँच नंबर सवाल है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हल हमें दिया है क्या दिया है, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक 2πr। तो यहाँ 2 गुने क्या होगा, पाई का मान 22/7 होता है और r यहाँ लिख दिए 44 बगल में रहेगा, यहाँ गुना किए 44/7 तो r हो गया, r यहीं रहा, ठीक है r यहीं रहेगा और ये 44 पहले से है और ये 7 आ गया यहाँ और ये 44 इसके नीचे में आ जाएगा, तो 44 से 44 ख़त्म, r के मान हो गया 7, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, तो वृत्त के यहाँ हम लोग r निकाल लिए, आप लोग देख ही लिए, ठीक ना। अब देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक, क्या होता है 1/4 आ पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है चतुर्थांश वाला, याद रखिएगा। तो 1/4 आ पाई का मान होता है 22/7 और आर कितना आया है 7 आया है, तो आर को हम 2 बार लिख देंगे, कितना 2 बार लिख देंगे, तो इससे ये 7 कैंसिल हो गया, इससे 2 बार में काटते हैं, इसको भी 2 बार में काटते हैं, अब कितना 11 का पहरा हम 7 बार पढ़ेंगे तो 77 हो जाएगा और नीचे में बच गया 2। आप चाहे तो इसको भाग करिए और नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट